नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको मलस्कम कंटाजियोसम वार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमने पहले सीरीज में बात की थी जेनाइटल वार्ट्स की, तो मलस्कम कंटाजियोसम एक वायरल है इन्फेक्शन। एक होते सिंपल वार्ट्स एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण, एक है मलस्कम कंटाजियोसम वार्ट्स। ये क्या होता है, अम्प्लिकेटेड नोड्यूल्स टाइप का आपको वॉर्ट मिलेगा, स्मॉल रेज्ड पिंक लीजन होता है, थोड़ा उभरा हुआ छोटा सा लीजन रहेगा जिसमें एक छोटा सा डिंपल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोलस्कम कंटाजियोसम वॉर्ट्स, ठीक है। ये कैसे होता है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको भी ऐसे वॉर्ट्स हैं मोलस्कम कंटाजियोसम के, तो विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया ये मलस्कम कंटाजियोसम का वॉर्ट है, इसमें फ्लूड फील्ड रहता है, फ्लूड एक आपको अलग से दिखेगा वॉर्ट्स यू पानी जैसा, कि जैसे ड्रॉप्स हुई हो ना पानी के, बूंदे जो होती है वैसा वॉर्ट्स रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है, फिंगर में हो सकता है, एब्डोमन पे हो सकता है, स्क्रोटम में हो सकता है, पिनाइल में हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजों पे हो सकता है। तो ये होता है मलस्कम कंटाजियोसम का वॉर्ट्स, ठीक है। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, देखो ज्यादातर तो क्लिनिकल देखने से ही पता चल जाता है कि ये वॉर्ट है मलस्कम कंटाजियोसम वाला, ठीक है। पर फिर भी अगर कंफर्मेशन 100% तो उसके लिए बायोप्सी, तो बायोप्सी का जरूरत नहीं है जब क्लिनिकली पता चल जाता है कि मलस्कम कंटाजियोसम है। अब बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है। देखो एक से दूसरे में भी फैल सकता है, ये किसी एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे में फैल सकता है नॉर्मल में। और इसका मोस्ट कॉमन रूट स्प्रेड का होता है फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये हर्पीस एचपीवी इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने बताया मेनली क्लिनिकल पे जाओ, बायोप्सी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लिनिकली ही वेरी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है ये। उसके अलावा अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। आप देखोगे हर कोई यही बताएगा कि भाई सर्जरी सर्जरी सर्जरी, मतलब जला दो, ये कर दो वो कर दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विथ मेडिकेशन ट्रीटेबल है, ठीक है, कोई इंटरवेंशन का इसमें जरूरत नहीं होता है, ट्रीटमेंट इज ओनली बाय मेडिकेशन। थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है। अब बात करें इसमें कुछ क्रीम्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं, इम्यूकोमाइड वगैरह, पर सिर्फ क्रीम काम करेगी ये भी जरूरी नहीं, कुछ न्यूट्रिशंस भी देना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी क्योर होने में। अब बात करें क्या ये वार्ट्स एक बार जाने के बाद दोबारा आता है, तो ये दोबारा नहीं आता है। अब ये वार्ट्स क्या अपने आप भी चला जा सकता है, हाँ 6 से 2 साल के अंदर कई बार अपने आप भी चला जाता है, उसके बाद ये रिकवर दोबारा नहीं आता। जैसे कि हर्पीस वगैरह है वो साइलेंट फॉर्म में बॉडी में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में भी नहीं रहेगा, एक बार चला गया मतलब चला गया। तो प्रग्नोसिस इज गुड, ज्यादा ट्रबल सब नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है। और फिर भी अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और बिना किसी सर्जरी के बिना किसी इंटरवेंशन के अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो पॉसिबल है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। और इसमें ये हैंड वॉशिंग रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, गंदे ना रहें, और जब वार्ट्स वगैरह हैं तो उस समय फिजिकल रिलेशन अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।